बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए और प्यारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करना ना भूलें। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब और किस वक्त अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले। प्यारे नाज़रीन, रबीउल अव्वल की 11 तारीख में 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत का मुजर्रब अमल, ऐसा अमल कि सिर्फ एक बार कर लेने से पूरे साल रिज़्क की बारिश होगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला के बनाए सभी दिन और सभी महीने मुबारक हैं, लेकिन कुछ महीनों की फजीलत और अजमत ज़्यादा बुलंद होती है और रबीउल अव्वल के महीने की फजीलत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस मुबारक महीने में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार, क्योंकि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुफ्र की तारीकियों में नूर की रोशनी फैल गई, बेसहारों को सहारा मिल गया, यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखने वाला आका मिल गया। गोया के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तमाम दुनिया में रोशनी फैल गई। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा करें और अपने नेक जायज़ मकसद के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ किया करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रबीउल अव्वल की 11 तारीख को करने वाला ऐसा मुजर्रब अमल बताऊंगा कि आप जैसे ही इस अमल को करेंगे वैसे ही अल्लाह की गैबी मदद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत खुशकिस्मत होता है वो इंसान जो इस अमल को करता है, क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं नेक अमल करना हर इंसान की किस्मत में नहीं होता है, जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना किया करता है। तो नाजरीन, इस अमल को रबीउल अव्वल की 11 तारीख में बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आमिल किया करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आमिलों को इस अमल के बारे में मालूम है कि इस अमल के कितने फ़ायदे हैं। तो आप जैसे ही इस वीडियो को देखें फौरन इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी हर एक नेक जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी। जो अल्लाह से मांगोगे फौरन आपको मिल जाएगा, जिस मकसद के लिए इस अमल को करोगे उस मकसद में फौरन कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप रिज़्क की तंगी से परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में परेशानियां रहती हैं, दुश्मन आपको परेशान करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है, घर में आसेबी खलल से परेशान हैं, या घर में किसी ने जादू करा दिया है, या अच्छी जॉब की तलाश में है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, एक्स वाई जेड आपका कोई भी कैसा भी मकसद हो, ये अमल करते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इज्जत व शोहरत और दौलत सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकॉन को ऑन पर सेट कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त होता रहे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस अमल को ज़रूर बिज़रूर 11 तारीख को कर लें। आइए अब मैं आपको अमल बताता हूँ। अमल में आपको करना ये है कि रबीउल अव्वल की 11 तारीख को किसी भी वक्त हो सके तो शाम के यानी मगरिब के बाद आप इस अमल को करें। तो सबसे पहले अच्छी तरह वुजू कर लें, उसके बाद 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत की पढ़ना है। 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत की पढ़ने के बाद खूब देर तक अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद इस दुआ को आप लोगों को पढ़ना है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब आप ये दुआ पढ़ लें उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथों को उठा लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें।
अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बना ले, और जो भी आपका मकसद हो उस मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत चमकने लगेगी, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, इस अमल को अगर नेक मकसद के लिए किया जाए तो एक हफ्ते के अंदर अमल करने वाले इंसान की हर नेक जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, कमेंट के जरिए अपनी परेशानी बता सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हैं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानी को रूहानी वजीफों के जरिए से हल किया जाएगा। इस वीडियो को सदक़े जारिया की नियत से शेयर करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।